चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बाबा महेंद्र सिंह के अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। हम भी शर्म लग गया, इस सरकार में हमें भी शर्म लग गया। सरकार पहले भी हमने सरकार देखी बहुत अच्छा रहता हिसाब, बातचीत होती, समस्याओं का समाधान होता, किसी को आश्वासन मिला था, ठीक है, काम चलता रहता। यह सरकार नु पता नहीं आंदोलन तो इतनी क्यों ही चक्री। आंदोलन तो सरकार की शोभा है, सरकार का सम्मान है आंदोलन तो। आंदोलन हो, धरने प्रदर्शन हो, बैठ कर बातचीत हो, प्रशासनिक अधिकारी क्या हुए ऊपर सुलह मशवरा कर ले, ठीक है, या समस्या इसका समाधान हो, किसी भी बात का कुछ नहीं समाधान हो रहा। तोड़ फोड़ की राजनीति, इसमें तो किसान यूनियन में तोड़ गए कितने आदमी के अंदर, वह आज हम न वो तोड़ लिया, जो तोड़ लिया वह रिपोर्ट वहां जा, लखनऊ रिपोर्ट जा गए, नए आदमी तोड़े आज किसान यूनियन के। किसान यूनियन तो वो तूफान है, इन्होंने देखे नहीं इसकी, वाह ये तो डरा धमका है, सोच रहे सब दबा दबूत है। अच्छी सरकार रही पहले, इसे भी हम बुरी नहीं, वो बुरी नहीं बताते, बातचीत तो इनते ही होगी, कहीं मोटी कुछ बात हो जा, पर हम बिगाड़ बिगाड़ तो ये लग रहा ना। कांग्रेस सरकार देखी, 36 महीने का बिल माफ हुआ था किसान का, ठाकुर जी 36 महीने का बिल, 3 साल का 22.5 से 30 रुपए हॉर्स पावर बिल हो गया था, फिर वो बिल वापसी फिर 22.5 पे आया। आंदोलन के तहत बोपन एयर में 13-14 ट्रैक्टर गिर गए थे, वे सरकार ने वापसी नहीं दिए। जो सरकार अच्छा काम करे उसके अच्छे गुणगान हो, इतिहास बने, हमने वो काम करा, हमने वो काम करा। हमें इस सरकार में नहीं समझ में आ रही कौन तो इसका जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊं, 5 दिन पहले मैं राजनाथ जी तो बात करी थी, उनका तो बात तो इन पर कहा था उन्होंने हम बात कर, कल उनका फोन आया, बातचीत हुई। हमें तो लग रहा जाने मैं भी वैसे ही गेर रखे, बस वही अपना नामचारे का ही है मामला। तो हम तो यू कह रहे बात करे किस तरह करे, प्रदेश की बात जो बात है अच्छी 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 को अच्छी कही जाएगी। बिजली की बात है, बिजली दिन में बिजली आ रही किसानों को, सरकार को धन्यवाद दें इस बात के लिए, हम कोई वो नहीं है, जिन्होंने जो कुछ वो सहयोग कर रखा उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे, बधाई के पात्र है वे, इस तरह की उन्होंने किसानों के प्रति सोची। एक नु कह रहे कहने भाई गुंडागर्दी हटा दी, लूट फूट हटा दी, लूट तो अपने आप हट जाएगी, जमीन पर कुछ रहने का ही नहीं। तो बात तो कितनी है, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में कहा था हम 450 रुपए गन्ने का रेट देंगे, और उस टाइम पर कहा था, आज देखो आज क्या वो है, गन्ने पर सब आधारित है मामला इस क्षेत्र में। बिजली की बात हमने यही कहा था, हरियाणा के तरह पर बिजली दे दो, जो हरियाणा में रेट है बिजली का वो दे दो, हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं। गन्ने का रेट जो हरियाणा में है वो दे दो, उससे 2 रुपए कम दे दो, वहां 262 है या 362 है, वहां यहाँ 350 है, भाई 360 दे दो, 2 नहीं का 32 रहने दो। झूठे सच्चे मुकदमे इतने में हो गया मामला। और एक
हम इसमें भी कोई वो नहीं कहने में, एक विशेष वर्ग का तो बहुत उत्पीड़न हो रहा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, ना हमें कुछ कैट में कुछ फरेज है। निकाला से एकता न साई दिखाई जा रही, हम तो नहीं सोच रहे थे वो पढ़ा लिखा समाज है जो कोई नौकरी कर रहे IAS IPS अधिकारी है वो बहुत बढ़िया रहे इनका 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 तो फिर डूब लिया काम। पटवारी का लगा के इस तरह की भ्रष्टता हो रही, कोई भी आदमी थाने में चले जाओ तहसील में चले जाओ बिना लिए नहीं आता, ऐसी वाना करो भगवान ने सरकार ने मोज दे रखी तो मैं तुम्हें 70-70, 80-80 हजार रुपए 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही, उन्हें भी तो देखो जिनका कुछ नहीं बहुत है। एक यूपी जैसा बोझ जाए अग्निवीर का पता नहीं कहां तक घेर घोट के जाने बाद जो एक छेड़छाड़ शरीर के साथ छेड़छाड़ करो कोई कान में बिना मतलब वो फेरन लोगो रूई फेरन लोगो उसमें गड़बड़ होगी कहीं की कुछ भी बात हो ये बिना मतलब की छेड़छाड़ कर दे, ये शुभ लक्षण नहीं है। कहां के उठेंगे किसानों की तो बात थी 13 महीने का आंदोलन होगा, तरह तरह की बेइज्जती किसानों की करी गई, फिर भी हम इसके टाल देते कोई बात नहीं चलो ठीक है, उनमें भी सबर नहीं आया ना, हम ठीक ठाक राजी खुशी अपने घरों चले उसमें भी सबर नहीं आया। एक इन्वेस्टर जो आज देश की रीढ़ है युवाओं के कंधों पर बोझ है ये इस तरह से रास्ते तक विचलित कर रहे युवाओं को कुछ भी नहीं रहने का, एक कग बच्चा है किसी का दो है किसी का एक है और ये गलत राह पे चल जाएंगे। देख हम बिल्कुल खुल के बता रहे ये सही लक्षण नहीं है, ये गलत राह पे चल जाएंगे, क्या दिन होगा कौन उसमें चपेट में आ जाएगा जी भी इन्हू होगा वो कहना कुछ नहीं था जो कुछ है जी तक दिन जी वो ठीक है नहीं जो कुछ होगा अपना ठीक है अपना ऊपर चले जाएंगे। तो हम तो ये चाह रहे सरकार कहां थे और कहां बात पहुंचा दी, हम तो दो कदम पीछे को कह रहे थे हटने को, हम तो 10 पीछे को हट लिए, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करें। गन्ने के पेमेंट की बात है एक या तो पता नहीं ऊपर तो याद है सहारा कहू कह रहा क्या कहना है, भारतीय किसान आंदोलन वालों की सुनो ना बिल्कुल भी, जो सुन भी ली तो उनको गौर ना करियो। यहां से 29 जनवरी की भी नौ देख रखी होगी और जो प्रशासनिक अधिकारी आए उन्हें पता भी होगा क्या स्थिति थी और वो किस तरह हमने घेर घोट तक ऊपर करी, रात रात की पंचायत थी वो, हाँ 28 जनवरी की रात को हुई थी वो 29 जनवरी में, हाँ मतलब किस तरह था क्या माहौल था हमें पता उसका, पर हम कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते, ये अपने मन में तक काट दो बातचीत, ये हमारी मारी चुप्पी को मारी इंसानियत को कमजोरी समझ रहे, ये अपने मन में तो निकाल दो इस बात को किसी बार ये में इस तरह की बात है ये डर रहे या कुछ हो रहा, तो फिर भी हम तो आज की युवा थे युवा पीढ़ी से यही युवा करे भाई बिल्कुल तोड़ फोड़ में हम आप लोगों के साथ खड़े, तोड़ फोड़ में बिल्कुल वो ना करो, बड़ा नुकसान हो जी वहां से बिहार में रेल जला दी गई कहीं बस जला दी गई कहीं गाड़ी छोटी मोटी गाड़ी जला जा रही, इस तरह की ना करो ये राष्ट्रीय हानि है भाई, आखिरी दम तक आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी, किसी किस्म की वो ना मान लो दिक्कत, किसी किस्म की दिक्कत ना मान लो, मारा तो सब कुछ लूट जाएगा जब तुम गलत राह पे चले गए भाई। अरे हम लोग कहे अगर इतना बेतुका तोड़ा आ रहा तो हमें बताओ भाई हम अपने को जेल लेंगे, गन्ने का रेट 350 का है ये भाई 350 का दे दो, जो इनके पूरा पटता हो हम तो जैसे भी कुछ है और देख कर लेंगे काम, पर ऐसा वो ना करो
मुख्यमंत्री जी है, पता नहीं उन्हें कोई समझाने वाला नहीं हैगा। उन्हें भी सुलाकार अच्छे सुलाकार चाह एसी में सुलाने नहीं जाती, एसी में तो मारा ही मन पलट जा, जैसा कहीं कुछ जा बातचीत इतना ठंडा हो जा बन लो, बस सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा कहीं कोई पानी चला रहा कुछ कर रहा कुछ नहीं। तो हम तो यही कहे, फिर भी आप लोगों को यही कहे भाई, शांति का तरीका गांधीवादी के तरीके से आंदोलन चलाना हम सब का फर्ज है और इसे इसी तरह से निभाओ रहो। 35 साल का आंदोलन यू बड़ी सूझबूझ तो बड़े उस तक चला, कितने उतार चढ़ाव सरकार के साथ में आए, तनाव वाली बात हुई तो कुछ नहीं, लोगों की सूझबूझ तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थे, आप लोगों ने हर उसमें सफलता मिली, इस उसमें भी सफलता मिलेगी, सरकार को ये वापसी लेना पड़ेगा, कोई वो नहीं है कुछ भी वो कर लो, सरकार को जनहित में वापसी लेना पड़ेगा, राष्ट्रहित में वापसी लेना पड़ेगा। 4 साल का कुछ नहीं होता, एक इनके युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक करा जा रहा है। ये भी अपना मुख्यमंत्री काल, प्रधानमंत्री काल, राष्ट्रपति काल, ये भी और कम घटा लो भाई, ये भी कम कर लो, पेंशन हो रही पेंशन, एक विधायक जो है विधायक हो गए एक बार पेंशन उसके, तो भाई क्या कीजिए, हम तो आपको बताओ आप लोगों की परीक्षा की घड़ी बहुत, ये देश आज बारूद के ढेर पे है, कभी भी कहीं कुछ भी हो सके, सब चिंतित है भाई क्या होने वाला जा रहा। और ये भाई पत्रकार बंधु भी सुन दो बात, के तुम भी मोहब्बत का तो नहीं रहे, एक फोन मावा नजला सब बखरा किया बीच में मगर गए पसंद तो देने अगर किसी के पक्ष कुछ कह दे नाक से मैं बोल रहा तू का जो काम करके रहा हूँ पता नहीं उसे क्या मिल रहा। तो भाई बढ़िया बात हुई इस तरह का, आज युवा साज उसका है क्या, आज पूरे भारत में है, कहीं छोटा कहीं ज्यादा कम तिब्बती पूरे भारत में है, और वह फेर में तो दूसरा फेर भी तुम कहो भाई शांति में कर लो, सफलता आपके कदमों में पड़ी, कोई वो नहीं है बात कुछ नहीं, कहां लोग जा गया सरकार, और वह ठीक है बढ़िया बहुत अच्छी बात है, वह लड़ाई थारी लड़ू जाएंगे और हमें भी कुछ नहीं लो, जो वकील लुबिराम की कुछ बात हो वो भी ज्ञापन दो, बताइए वो उसमें रिश्तेदार करो है।